बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हम कहाँ जा रहे हैं मॉर्निंग में? हम जा रहे हैं आज पीटीएम है, पेरेंट्स मीटिंग। तो मेरे साथ जाएंगी मेरी नंद की बेटी और दोनों बच्चे, क्योंकि दोनों बच्चों की को ही जाना है। और यहाँ पर अयान खड़े थे, तो मॉर्निंग में देखो हम सुबह मैं उठ गए थे जल्दी ही, क्योंकि आजकल मैं बच्चों को लेट उठाती हूँ। बच्चे मेरे लेट ही उठते हैं वैसे, लेकिन स्कूल जाते हैं तो जल्दी ही उठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत उनकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर बस सारा इतनी खुश थी बहुत। अब्दुल हादी का तो आपको पता ही है, वो LKG में है और सारा नर्सरी में, तो सारा फर्स्ट आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई थी। ऐसे ही मेरे अब्दुल हादी आए थे, मैंने आपको दिखाया था पहले भी, मतलब मैंने स्कूल के ब्लॉग बना रखे हैं, दिखा रखा है, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और जब बच्चों की मैम तारीफ़ करती है ना, फिर तो मैं बस फूले नहीं समाती, इतनी खुशी होती है मुझे, इतनी ज़्यादा होती है बहुत। तो यह है सारा की रेनू मैम, और यहाँ पर थी अब्दुल हादी की विशाखा मैम। तो वैसे तो मैंने देखा तो 5th पे नंबर था अब्दुल हादी का, लेकिन मैम कही थी, मैम ऐसी कोई बात नहीं, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, ये 5 बच्चे हैं तो एक ही नंबर थे सबके, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा नंबर नीचे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैम देखो कितनी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे से खुश होते हैं मैम। और यहाँ पर बस बच्चे कह रहे थे मम्मा हम झूलेंगे, मैंने कहा ठीक है बेटा। और यहाँ पर सबके पेरेंट्स आ रहे थे और बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये मैम भी तारीफ़ कर रही थी अब्दुल हादी सारा की, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल। चल लिए थे और साथ में अब्दुल हादी तो साथ साथ ही रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब खुश होके जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब बच्चे का बोर्ड पे नाम देखती हूँ तो सच मुझे तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे हम बाहर आए तो हमें रक्षा भी मिल गया था जल्दी, हमें वेट नहीं करना पड़ा था। और हमारे साथ साथ ना हमारे पास करीब की थी, वो हमसे पहले आया था उनका घर, तो वो भी उसी, तो फिर हम दोनों ने एक ही रक्षे में बैठ गए थे। मैंने कहा चलो उधर ही जा रहे हैं, तो पहले तो इनको ही उतारना था उन्हें, फिर हमें। तो यहाँ पर बस वो बात कर रही थी, उनकी बेटी 6th क्लास में थी, तो ये इनकी बेटी है। और बस अच्छा लगा उनसे बात कर कर। और फिर ना आ गए तो सारा की मैम ये कहती थी ये बात नहीं करती, ओरल भी सुनाती है तो मेरे कान में सुनाती, इतना कम बोलती है, घर पे भी ऐसे ही बोलती है। मैंने कहा नहीं घर पे तो बोलती है, यहीं पर नहीं बोलती। और देखो सब लेते थे ऐसे ही। फिर बस हमने नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया था। और फिर मैं दोपहर में भी सोई थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। और यहाँ पर मेरी नंद की बेटी ने, मैंने आपको कपड़ा दिखाया था ना, तो उन्होंने अपनी मम्मा का ट्राउज़र सिया था, तो जैसे वो सी रही थी ना मुझे पता ही नहीं चला, मैं नीचे सो रही थी, वो ऊपर रूम में उन्होंने सी लिया। जब वो उन्होंने सी लिया ना तो मैं आई, तो मैंने देखा हाँ, मैंने कहा सी दिया, कह रही हाँ सी दिया। तो फिर मैंने कहा लाओ इसकी भी थोड़ी सी बनाती हूँ। तो यहाँ बाजी चेक कर रही थी, वो लूज़ लूज़ पहनती है तो ऐसे ही मतलब सिलवाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी ना सिलाई सीख रही है, अभी तो कुछ दिन हुए, लेकिन काफ़ी अच्छा ट्राउज़र सी लिया था, मुझे मतलब यकीन सा नहीं हो रहा था कि सी लिया इतनी जल्दी, तो बहुत अच्छा सिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। बाजी ने देखा मेरी, देखो कैसे से डस्टिंग कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों से यही फ़ायदा होता है कि वो जल्दी अपना घर संभाल लेती हैं। तो यहाँ पर देखो मेरी सारा मेरे साथ साथ कर रही थी, तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज की थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, बस बर्तन नाश्ता वगैरह करा था। और ये ना मेरे हस्बैंड के हैं कुर्ते, तो
ये तो पहनावा है, आपने देखा भी होगा। तो ये न्यू है, तो इसकी ना फिटिंग करानी थी हस्बैंड को, लेकिन मैंने उन्हें निकाल के दिए थे, उन्होंने नहीं कराया। पता कितने कितने चौड़े चौड़े हैं, और मेरे हस्बैंड तो आपको पता ही है, देखे हुए ही हैं। तो ये बहुत अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको पसंद भी है ये वाला। तो मैंने यही निकाल के दिया था कि आप इसी के नाप से करा लो, लेकिन वो बस इतने आलस हैं, अपने काम नहीं करते। हमारे तो खैर कर देते हैं, लेकिन अपने नहीं करते। तो बस मैं आज ले जाएं, ये कब ले जाएं पता नहीं, मैं बता दूंगी आपसे। वो तो ऐसे ही करते हैं अपने काम। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज की थी, मेरी सारा डस्टिंग कर रही थी, और यहाँ पर रखी थी मेरी मशीन। तो मशीन तो मैं उठा नहीं सकती, क्योंकि मशीन तो मैं हस्बैंड से ही उठवाऊँगी, क्योंकि आपको पता ना, कल मेरी नन की बेटी ने सिया था अपनी मम्मा का ट्राउज़र, तो वो बस मशीन ऐसे रखी थी। वो कहती थी कि मामी मैं आपका भी सी दूँगी, तो मैंने कहा नहीं चलो वो तो मैं सिलवा लूँगी, कह रही थी नहीं। तो उन्होंने सिया था अपनी मम्मा का ये, तो मैंने कहा, कह रही थी, ज़िद कर रही थी काफ़ी, मैंने कहा नहीं नहीं बस घूमने आए नानी के घर, यही काफ़ी है। तो देखती हूँ, वैसे वह ज़िद कर रही है, अगर कोशिश करेंगी ज़्यादा कहेंगी तो सिलवा लूँगी। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि आजकल तो मैं सोचती हूँ मतलब और ही कर दे मेरा काम, मेरे से नहीं होता। तो बस सारा हमारी बहुत ज़बरदस्त लगी पड़ी है, देख लो एक ही जगह पर लगी पड़ी है मेरी सारा, और मेरी सारा माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और आपको भी माशाल्लाह बोलना है सारा के लिए। तो मिलती हूँ फिर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आयान से मंगाई थी मोटी मिर्च, क्योंकि मैंने भरवा मिर्च बनाऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अचार की मिर्च हो या वैसी हो दाल के साथ, और मैं बनाती भी हूँ, लेकिन ये मैं बनवाऊँगी। तो मैंने आयान से मंगाई थी, मॉर्निंग में ही मंगा ली थी, लेकिन मैंने साफ़ सफाई खाना सब कुछ करा, तो खाना तो हल्का फुल्का था, बाजी का तो उधर ही था भाभी की तरफ। बस यहाँ पर मैंने वॉश कर दी ने अच्छे से, तो बनाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको अभी। तो मैंने इन्हें वॉश करके रख दी, और मैं भी नमाज से भी फारिग हो गई थी, और खाना भी खा लिया था हस्बैंड ने, जैसे कि मैंने बताया बाजी का तो भाभी की तरफ था खाना। तो टाइम यहाँ पर देखो टाइम हो रहा है, और उसके बाद जी बस मेरे दोनों बच्चे देख रहे हैं नीचे कार्टून, मैं जाऊँगी अब अपने बच्चों के पास नीचे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना, मेरी फैमिली को भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।